out again. सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट फ्रीक डैन। तो गाइस आज हम क्या ड्रॉ करेंगे आपको तो पता चल चुका होगा, तो इसको हम ड्रॉ करना चाहिए एक स्केचबुक पर, बट हमारे पास वो स्केचबुक नहीं है, ग्रे टोन वाला है। तो ग्रे टोन में कलरिंग वाला मजा आता है, इसे छोड़ो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस इसे हम ब्रूस्टो की 200 जीएसएम का A3 पेपर को A5 साइज में कट कर लिया हूं। तो मैं इसे फ्रंट साइड से जब ड्रॉ कर रहा था तब मुझे लगा कि स्मूथ सरफेस पर ड्रॉ करना था, लेकिन मैं गलत था क्योंकि हमें इस ड्राइंग पर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस लगाना है। सो हमें वो रफ टेक्सचर ही चाहिए। एक टिप्स बता दूंगा, जब डार्कनेस वाला पार्ट आएगा वो भी ग्राफाइट पर, आप कैसे डार्कनेस वाला इफेक्ट ला सकते हैं। और गाइस मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो पर मुझे इतना सारा सपोर्ट देते हो, और मैं सिर्फ लाइक करने के लिए बोलता हूँ लेकिन आप बिना बोले ही सब्सक्राइब कर लेते हो, और लॉन्ग वीडियोस पर पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते हो। देखो गाइस अभी हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर दो। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं ये ड्रॉइंग और वीडियो को तो इतना मेहनत और 2-3 दिन तक बनाता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ लाइक करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो प्लीज देखो इस वीडियो को लाइक कर दो। देखो कितना कम लाइक्स हैं इस वीडियो पर, तो लाइक कर दो। जहाँ पर डार्कनेस वाला पार्ट है वहाँ पर लेना है हमें डार्क पेंसिल, और 1-2 या 3 लेयर चढ़ा देना है हमें जिस जिस जगह पर चाहिए। उसके बाद लेना है हमें एक हार्ड हेयर मेकअप ब्रश, आपने सुना होगा सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश, लेकिन इसे हम घर पे भी बना सकते हैं। एक फ्लैट सा मेकअप ब्रश या पेंटिंग ब्रश लेना है और उसे बीच में इसे कट कर लेना है। इसके मदद से हम जब भी ब्लेंड करेंगे ग्राफाइट से एकदम डार्क वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। काफी लोग मिक्स्ड मीडिया यूज करते हैं ज्यादा डार्कनेस के लिए, चारकोल एंड ग्राफाइट को मिक्स करके यूज करते हैं, और ये सही तरीके से नहीं मैच कर पाते और अच्छे से मिक्स करके यूज नहीं कर पाते। लेकिन ओनली ग्राफाइट का ड्राइंग आई होप कि आप लोगों समझ चुके होंगे। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो या बनना चाहोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हमें लॉन्ग वीडियोस भी ज्यादा व्यूज लेकर आना है, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करके रखो क्योंकि मैं रियलिज्म ड्राइंग शेडिंग ब्लेंडिंग करके एक सीरीज बनाने वाला हूँ, वहाँ पर आप काफी इजी तरीके से सीख सकते हैं। और गाइस आप सीखना चाहते हो या फिर आपको ड्राइंग का स्किल इम्प्रूव करना है, चाहे आप बिगिनर्स हो, तो सब्सक्राइब करके मेरा इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस दूर से हमारा ड्राइंग अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब बारी आती है डिटेलिंग की, उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइट जेल पेंस और मैकेनिकल पेंसिल। सो आगे बढ़िए।